ठीक आहे जे सरांनी ऑलरेडी सांगितलं आणि खूप चांगले इथे वक्ता येऊन गेलेले ओटी सरांनी आणि जे सारू सर त्यांनी ते इन्व्हाइट केलेले प्राचार्य शिंदे सरांनी ऑलरेडी तुम्हाला खूप काहीतरी सांगितलेलं जे कुठे काहीतरी थोडं टचअप असेल ना ते आज या सेशनमध्ये आपण कम्प्लीट करून बघू चालेल का होत असेल कुठे काहीतरी माझ्याकडून चुकी पण होणार भाषा थोडासा कुठे काय हिंदी मराठी इंग्रजी मिक्स हिंदी पण आता येत नाही बरोबर कारण फॉरेनलाच एवढं जास्त दिवस राहिलो वाटतं 7-7 वर्ष मी फॉरेनलाच होतो आणि कंट्री पण अशी असायची की कोणाला माहीतच नाही झंझिबार तांझानिया इथिओपिया गांबिया झांबिया असं कंट्री होतं तर मिसेस नेहमी सांगायची आप ऐसे कंट्री में नहीं जा सकते क्या जो सबको पता है मेरा नहीं मला माहित नाही पण मी असंच कंट्री मध्ये जायचो आणि तिथे मला NSS मध्ये जे तुम्ही शिकले होते जे तुम्ही शिकले ते तुम्हाला तिथे कामाला येणार कारण आता तिथेच आपली मागणी जास्त आहे अंडर ग्रोईंग जी कंट्री आहे तिथे सर्वात जास्त मागणी आहे आपण जे करतो तर मी ITI मध्ये टर्नर म्हणून माझा प्रवास सुरू केला होता टर्नर पीटर मशिनिस्ट हायलाइट ग्रेड आम्हाला पीटर आणि मशिनिस्ट होता आणि टर्नर पासून सुरुवात केली म्हणजे एक सब्जेक्ट पासून सुरुवात झाली नंतर पुढे जाता जाता मग 35 सब्जेक्ट आम्हाला मिळाले डिप्लोमामध्ये नंतर 68 सब्जेक्ट मिळाले नंतर परत एमटेकमध्ये आम्हाला 3 सब्जेक्ट मिळाले आणि म्हणजे एक पासून सुरुवात झाली परत एक पर्यंत संपलं म्हणजे आपल्या आयुष्यात एकच ध्येय धरला पाहिजे काहीतरी काहीतरी म्हणजे टर्नर ना बस उसी में मर जाने का उसमें सबसे हायेस्ट क्या है वो सीखने का आणि त्यामध्ये संपूर्ण टाकायचा म्हणजे तेच एक ट्रेड टेलरिंग होने का ना तो टेलरिंग बस टेलरिंग ना नहीं टेलरिंग मध्ये संपूर्ण जायचं उसमें जो कौन है वो मनीष मेहरोत्रा तिथे ते बनायचं म्हणजे एक चाबी वाला बनने का ना तो वो चाचा चाबी वाला के जैसा बनने का यानी वो शहर में बोलना चाहिए चाचा चाबी वाला कौन है फिटर बनने का तो बस फिटर बनने का म्हणजे त्या ज्या आपण ज्या शहरामध्ये राहतो ना अंबरनाथ मध्ये राहतो किंवा कल्याण डोंगरी तिथे लगेच लोकांनी बोलले म्हणजे असं कोण अच्छा ये अरे ये तो मालूम है इसके जैसा तो कोई है ही नहीं ये वडापाव अरे दत्त वडापाव एक नंबर वडापाव म्हणजे आपण जे स्किल घेतो ज्या कौशल्यावरती बोलू काय हे चारच पॉईंट मी आपल्याशी बोलणार आहे आयुष्यात असं काय झालं की 10वीपर्यंत काय आपल्या माइंडसेटच नव्हतं काय करायचं आपण कसं तरी ITI मध्ये आलो ITI मध्ये पण माहीत नव्हतं टर्नर पीठ कातारी काय असं माहीतच नव्हतं कातारी जोडारी काय असं तुम्हाला माहिती आहे का माहित आहे कातारी जोडारी हेच माहिती आम्हाला माहीतच नव्हतं पण ठीक आहे तसंच काहीतरी दिवस काढत होतो आणि तिथे एक सर आले असंच कोट वगैरे घालून मी हे 5 वर्षापासून हे कोट घालतोय ते सरांचं नाव मोती सर मला माहीत नाही ITI मध्ये आले होते ते आम्ही असंच खाली बसलो होतो आणि आपलं जे ITI चं जे एंट्री आहे ना जे एंट्री म्हणजे जिथे बघा वर्कशॉप नंबर टर्नरचा वर्कशॉप आहे तिथे एक नंबर वर्कशॉप मध्ये मागे तर टेलरिंगचा आणि ते आणि त्याचा मागे बिल्डिंगचा आहे तर तिथे आम्ही खाली बसलो होतो आणि एक सर आले तिथे शिंदे साहेब ते सर आले आणि त्यांनी खूप चांगलं वक्तव्य बोलले म्हणजे मला इंटरेस्ट नव्हता म्हणजे हे सब मोटिवेशन मोटिवेशन काय नसतं शब्द सर शब्द में हवा रहता है वो कुछ नहीं 2 दिन का थम्सअप रहता है उसके बाद पूरा गायब हो जाता है असं तेव्हा निगेटिव थॉट्स होते भाई मैं कसा आला पण होता ते क्योंकि जहां पे अगर कुछ बीज नहीं डालेंगे ना निसर्ग का नियम है कुदरत का नियम है सर ने बताया ना कुदरत का नियम है जिधर कुछ डालेंगे नहीं ना उधर अपने आप घास उग जाता है अभी आप लोग श्रमदान करने वाले 3 दिन के बाद तो श्रमदान में हम लोग वही जो घास है ना जो कचरा है उसको निकालने वाले अपने माइंड में ये NSS में भी वही करने वाले हैं और वो जो सर आए थे ज्या दिवशी जे सर आले थे त्यांनी पण तेच सांगितलं शाळेत शिकणारा प्रत्येक विद्यार्थी सर शाळेत शिकणारा प्रत्येक विद्यार्थी डॉक्टर इंजिनियर होऊ शकत नाही आणि होत पण नाही होतो का तुमच्या शाळेत शिकणारा प्रत्येक विद्यार्थी डॉक्टर इंजिनिअरिंगमध्ये प्रवेश घेतला का ना कुणी काय कुणी ITI मध्ये आलं कुणी काहीतरी ट्रेडिंग करणार कुणी काहीतरी स्किल शिकणार कुणी काहीतरी बिझनेस करणार कुणी कुठेतरी हॉटेलमध्ये झोमॅटोमध्ये कुणी अमेझॉनमध्ये कुठे ना कुठे तरी कामाला लागलेला असेल शाळेत शिकणारा प्रत्येक विद्यार्थी डॉक्टर इंजिनियर होऊ शकत नाही पण शाळेत शिकणारा प्रत्येक विद्यार्थी आपल्या आपल्या क्षेत्रामध्ये डॉक्टर इंजिनियर होऊ शकतो शाळेत शिकणारा प्रत्येक विद्यार्थी आप आपल्या क्षेत्रामध्ये डॉक्टर इंजिनियर होऊ शकतो तो भले कंडक्टर असू द्या काय हरकत नाही बेळगाव आणि ते बस कंडक्टर कंडक्टर म्हणजे बेळगाव आणि ते कर्नाटकचा मध्ये तो बस कंडक्टर होता ना काय नाव त्याचं हा रजनीकांत काय नाव नाही आपलं नाव काय राठोड लक्ष्मण अच्छा राठोड लक्ष्मण बहुत सही गेले ताली होणी पण
तो आपल्या क्षेत्राचा तो डॉक्टर इंजिनियर झालाय, कंडक्टर होता, वो भी रो सकता था, अरे काय आपके आई वडील गरीब होते, लेकिन उन्होंने गरीबी का रोना नहीं रोया। एक छोटा सा बच्चा, आजादी के आसपास पहले की बात है, छोटा सा बच्चा बेचारे को स्कूल में पढ़ने को नहीं मिल रहा था, आज स्कूल वाले मैम स्कूल वाले बच्चे उस पर पढ़ाई कर रहे हैं, उसके एक एक लाइन पे लोग पीएचडी कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर 14 तारीख को उनका जन्मदिन है, 14 एप्रिल को, आणि त्यांनी खूप चांगल्या लाईन सांगितलं होतं, म्हणजे एक लाईन मला त्यांनी तिथून इन्स्पिरेशन। माणसांनी जर आयुष्यभर शिकण्याचा ध्यास घेतला, माणसांनी जर आयुष्यभर शिकण्याचा ध्यास घेतला तरी तो शिक्षणाचा गुडघ्या परत पोहोचेल। ही लाईन कोणाची होती? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। जाता जाता त्यांनी सांगितलं, माणसांनी जर आयुष्यभर शिकण्याचा ध्यास घेतला तरी तो शिक्षणाचा गुडघ्या परत पोहोचतो। आज तक ऐसा एक दिन नहीं हुआ, 94 में आईटीआई में प्रवेश किया, 96 में आईटीआई कंप्लीट हुआ, 97 में डिप्लोमा में एडमिशन लिया, 2001 में डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, 2003 में डिग्री कंप्लीट हुआ, 2000 पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद पता नहीं कितना सारा पढ़ाई किया। आज तक एक ऐसा दिन नहीं गया है जिस दिन आपने किताब नहीं पढ़ा। आता पास माझ्या बॅग मध्ये 2 पुस्तक असणारच। कोई देता था ना सेट, मैं जब कंपनी में काम करता था सेट द्यायचा $75 $100 रहे, दुबई में कुछ खा लेना, जंजीबार में कुछ खा लेना, मैं नहीं खाया सर, दुबई में किताब पढ़ता था मैं, क्योंकि फ्लाइट में तो मिलते ही था ना खाना, फ्लाइट में जेवन मिला है सर। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नहीं भी सांगे सर कि 10 रुपये मिलाले ना तो 2 रुपये का रोटी खाना लेकिन 8 रुपये का किताब खरीदना। आपण काय करतोय कहता सर, नहीं ते नेहमी सांगायचं की मला डोक्यावरती घेऊन फिरू नका, डोक्याचा आतमध्ये ठेवा। जितने भी महापुरुष हुए सबने एक बात सब में कॉमन थी, जितने भी महापुरुष होंगे जितने भी लोग हैं सब में एक चीज कॉमन है सब में, छत्रपती शिवाजी महाराज नेहमी सांगायचं आपला स्वराज्य स्वतः स्थापित करायचं। लेकिन हम करते क्या? नहीं करते, हमने वो चीज को ध्यान ही नहीं दिया। अपने को क्या बोलते नहीं साहब, उनकी बातों को अपना बनाइए, वो तो हमारे है ही, हमारे क्या पूरे राष्ट्र के पूरे संसार के है, वो सबके है वो, लेकिन उनके विचारों को भी अपनाइए। आणि ज्या दिवशी तुम्ही त्यांना आपण तुम्ही आत्मसात करणार त्या दिवशी तुमचं आयुष्य बदलणार। एनएसएसचं या कॅम्पमध्ये जे थोडंसं राहिलेलं आहे ना, थोडंसं कसर राहिलेलं आहे ना, की चंद कदम बस चंद कदम बस चंद कदम की बात है, हर तरफ उजाला फैल रहा, कहीं कहीं अंधारा है, थोडंसं कुठेतरी अंधार असेल ना तरी आज आपण संपूर्णच करतो। जाताना जेव्हा तुम्ही इथून जाणार ना, तुम्ही ते नसणार जे तुम्ही आले होते 14 तारीख को जो आया था ना, जो राठौर आया था ना, वो नहीं रहेगा। घर वाले बोलेंगे क्या हो गया, मंत्र विंतर मार दिया क्या? बोले हाँ मंत्र ही मार दिया, थोड़ा बचा था वो भी किसी ने कल आके वो भी खत्म कर दिया सर, अब तो कुछ है ही नहीं, होश ही नहीं है। क्योंकि आज के बाद आपके लाइफ का लक्ष्य अगर आपको मिल जाएगा ना, तो आपके लिए हर एक टाइम इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर आपको ऐसा लगेगा नहीं कि टाइम देखो पबजी खेलू ये करो वो करो, वो रहेगा ही नहीं, उतना दिमाग में नहीं रहेगा, क्योंकि काम इतना सारा रहेगा। ये सब में एक चीज कॉमन है, बताइए क्या कॉमन है? सब में एक चीज कॉमन है, कॉमन है ना तुमसे? कल्पेश बोल रहे हैं कि सब में सोच कॉमन है, और बताइए कैसे? काय ना तुमसे? भावेश विचार सर्वांचा कॉमन है का? अजून भावेश और आकाश भावेश आणि आकाश अजून ध्येय सर्वांचा कॉमन होता, कसा ध्येय कॉमन है? सावित्रीबाई फुले इनका ध्येय क्या था? कि महिलाओं को शिक्षा मिलना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा ध्येय क्या होता? स्वराज। तो ध्येय कैसे कॉमन हो गया? आप लोग स्वराज स्वतः स्थापित करेगा। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर प्रत्येक मध्य एक गोष्ठी कॉमन है, सब अनकॉमन है, कोई भी किसी से मिलता जुलता नहीं है। फिर हम कैसे बोलेंगे कि वो भावेश और आकाश दोनों बाजू में बैठते तो दोनों के विचार सेम होने चाहिए? कभी नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग है। और जिस दिन आपको अपना ठसा, जिस दिन आपको पता चलेगा ना मैं यूनिक हूं, ज्या दिवशी तुम्हाला माहित पडेल मी काहीतरी वेगळे, त्या दिवशी तुम्हाला समजणार की आयुष्यात आपण काहीतरी करू शकतो। इसके मत जाइए, अंगूठे के निशान पे मत जाइए, जीभ का निशान पे मत जाइए, कारण प्रत्येक माणूस इथे वेगळे। आपण कोर्स बरोबर करतोय, हम सब लोग कोर्स साथ में कर रहे हैं, आकाश हम लोग कोर्स साथ में कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि 22 साल के बाद जब आप लोग मिलेंगे यहाँ पर रीयूनियन में तब सेम होगा ऐसा नहीं है। तब आप नहीं बोलेंगे कि सत्या काय करते, उस समय सवाल ही नहीं रहेगा। ठीक है, 22 साल के बाद जब रीयूनियन होगा तो आप उस समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका लक्ष्य क्लियर रहेगा, आप पहला नहीं कर रहे थे बस। तो पहला जो है ना माइंडसेट, आपल्याला माइंडसेट सेट करायचा, बस आपल्या आयुष्यात आपल्याला माइंडसेट करायचा आहे। सर्वात स्ट्रांग माणूस कोण आहे आजचा पृथ्वीवरती? सर्वात स्ट्रांग माणूस कोण आहे? सबसे स्ट्रांग आदमी कोण आहे बताइए? सबसे स्ट्रांग आदमी कोण आहे? वो आदमी सबसे स्ट्रांग है
इसका माइंडसेट हो गया बस, त्याला तुम्ही काय करू शकत नाही, बस माइंडसेट झालं आहे आता, बस अभी आपने को हे बिझनेस सुरुवात करायचं, म्हणजे आता हे बिझनेस सुरुवात करायचंय, आपल्याला हे आयटीआय मध्ये प्रशिक्षण घ्यायचंय, काय हरकत नाही, मला इंग्रजी नाही, मला हे नाही ते नाही, काय हरकत नाही, वो आदमी सबसे स्ट्रॉंग आहे जिसका माइंडसेट स्ट्रॉंग हो गया। आज आपल्याला काय करायचंय, माइंडसेट स्ट्रॉंग करायचंय। हमारा माइंडसेट बहुत क्लियर था इधर आने का, आप लोग का माइंडसेट क्लियर था, चार दिवस पांच दिवस काढायचंय, काढायचंय म्हणजे काढायचंय, रडून काढू, हसून काढू, कसंही करू, पण आपल्याला चार दिवस काढायचंय इथे, वो आपका माइंडसेट था। तो याद रखना, स्किल का सबसे पहला नियम आता है माइंडसेट। आज आपको माइंडसेट करना पड़ेगा, आज आपको माइंडसेट करना पड़ेगा, मला काय करायचं आयुष्य, क्लियर एकदम माइंडसेट। पहला नियम है माइंडसेट, असे चार नियम सांगतोय। पहला नियम है माइंडसेट। जो स्टॉक माहित आहे तुम्हाला, कोणाला माहित आहे, युट्यूबला चॅनल, हा युट्यूबला चॅनल आहे, काय असतं ते, त्याच्यावर सगळे जे मोठे मोठे म्हणजे ज्यांनी उद्योगात टॉप केलं ते मोटिवेशनल स्पीक देतात। अच्छा, दिनेश गुप्ता जो स्टॉक टाकून बघत आहे यामध्ये, 12 ते 15 लाख लोकांनी ऐकलं असेल हीच गोष्ट आहे आपली, जो स्टॉक आहे। त्यानंतर असतो टेडेक्स स्टॉक, अमेरिकाचा असतं, त्यामध्ये जाऊन बघा। त्यानंतर आहे दूरदर्शन वरती, त्यानंतर आहे लिंका बुक ऑफ रेकॉर्ड, त्यानंतर आहे 16 पुस्तके, आता 2 पुस्तके अजून येत आहे। पहिला दोन पुस्तके, 17व्या पुस्तकाचं नाव आहे जिगरवाला सेल्समॅन, आणि 18व्या पुस्तकाचं नाव आहे शमशान घाट पर चाय। हे सर्व आपण चालू एवढं काम करतोय, आपल्या पास काही जाते तो आपण सोचा आपण काय करू शकता, यहाँ पे क्रिएटिव काय करू शकतो, म्हणजे जेव्हा तुम्हाला लक्ष मिळतं ना आयुष्यात, जेव्हा आपल्याला लक्ष मिळतं ना, आपल्याला असं वाटतं काय काय, अजून एअरपोर्ट पे जायला तो उधर 2-3 व्हिडिओ बनवत आहे, जेणे का खतम। एका दिवसात सर्वात जास्त व्हिडिओ बनवायचा पण आपल्याच नावावरती विश्वविक्रम झालेला आहे। म्हणजे मी फक्त एवढंच सांगायचं माझं, मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे, आयुष्य हे मज्जा तर करायचंच, आपल्याला एन्जॉय तर करायचंच आहे, पण त्याचबरोबर तुमचं माइंडसेट झालं पाहिजे, तर मी काय करू शकतो या जगाला, मी काय देऊन, जेव्हा मी जग सोडून जाणार, मी जेव्हा जग सोडून जाणार, जब मैं दुनिया छोडकर जाऊंगा, तो मैं दुनिया को क्या देकर जाऊंगा। आज आपल्याला क्लिअर करायचं आहे, क्लिअर करायचंय, तो क्लिअर करायचंय आपल्याला, कोई बात नाही, मी आयटीआय में पडतो कोई बात नाही, वो बोलता ना ये गेंद मुझे नहीं दिखा, अगला गेंद तुमको नहीं दिखेगा, कोण होता तो विराट कोहली बोलतो ना, ये गेंद मुझे नहीं दिखा, अगला गेंद आपको नहीं मिलेगा। आज आपको डिसाइड करना है, एनएसएस का जो मेन उद्देश्य है, नॉट मी बट यू, आपण काय करू, यू साठी आपण काय करू शकतो, आज आप के लिए मैं क्या कर सकता हूं। नहीं सर, मी जास्त शिकलो नाही। पद्मश्री सिंधुताई सतपाल कितना पढ़ी थी, वो 4थी 5थी 7थी तक पढ़ी होगी, लेकिन किया ना उसने, दुनिया को बदल कर गई। हम लोग है ऐसे दीवाने, माहिती आहे गाणं, एनएसएस मध्ये आम्ही गातो हे गाणे। हम लोग है ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर जाएंगे। प्रत्येक माणसामध्ये ही शक्ती आहे लोकांना बदलायची, पण प्रॉब्लेम काय माहिती, आपण अडकलेलो, आपण अडकलेलो कशामध्ये, व्हॉट्सअप मध्ये, फेसबुक मध्ये, इंस्टाग्राम मध्ये, चांगलंय ते, काय खराब गोष्टी नाहीये, पण आपलं लक्ष आपण विसरू नका। माझं लक्ष काय, मेरी जिंदगी का जो लक्ष आहे, मुझे आज पता होना चाहिए, काही असू शकतं, नाही सर मी डॉक्टर होऊ शकत नाही, कोणी कोण बोलतो तू डॉक्टर नाही होऊ शकता, आपली माइंडसेट ठीक आहे, नाही सर मी इंजिनियर होऊ शकत नाही, माझा तर इंग्रजी कच्चा आहे, अच्छा काही फरक नाही, आपका इंग्रजी कच्चा होने दो, मराठी कच्चा होने दो, हिंदी कच्चा होने दो, काहीच फरक पडत नाही। फरक याने पडतो की आपण डिसाइड करत नाही, आपण डिसाइड ही नाही करते आपल्याला करणार काय। टीचर ने पूछा सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी कौन है, तो कौन सा है सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी कौन है, बस आज माइंडसेट करून जायचं, बस आज या एनएसएस कॅम्प मध्ये आपल्याला माइंडसेट करायचं, और जब आपका माइंडसेट होता ना, दुनिया के कोई ताकत नहीं रोक सकता, आपको जिसको चाहिए उसको मिल सकते। बुधवारी मी बसलो होतो अमिताभ बच्चनला, मी असा विचार करत होतो की माझं हे पुस्तक अमिताभ बच्चनला द्यायचं, आणि शनिवारी मी त्यांना पुस्तक देत होतो, कौन बनेगा करोडपती, कौन बनेगा करोडपती, या साईडवरती मी अमिताभ बच्चनला असं देताना पुस्तक देताना फोटो काढत होतो, तुम्ही नंतर टाकून बघा, गुगलवरती जाऊन तुम्ही सर्च करू शकता, दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रेकॉर्ड टाकला किंवा दिनेश गुप्ता या डॉक्टर दिनेश गुप्ता टाकून बघा, तुम्हाला सर्व फोटो बिटो सर्व माहीत होतं। म्हणजे कुठलीही गोष्ट मी फक्त तुम्हाला सांगण्यासाठी नाही बोलतो, हे सर्व झालेलं आहे, या गो थ्रू केलेलं आहे। तर पहिला आहे माइंडसेट, आणि दुसरं आहे आजपासून जे काम करणार ते रेनबो झेब्रा झाला पाहिजे। आता हे काय नवीन, रेनबो झेब्रा काय असतं, रेनबो झेब्रा काय असतं, हा रेनबो झेब्रा कन्सेप्ट काय, मी जेव्हा आयटीआय मध्ये शिकत होतो ना, तेव्हा 75 विद्यार्थी माझ्याबरोबर होते, किती, गोपी सरांनी मलाच का बोलवला, ते त्या बॅच मध्ये
हॅलो अंबरनाथ आयटीने का बोलवलं मला इथे? हा मुली क्या नाम आहे आपका? हा हा क्या नाम आहे? हा नाम क्या आपका? हा साहिल गायकर. मला इथे का बोलवलं? मोटिवेशन दिसायसाठी तर खूप लोक होते ना, चांगले लोक होते. मलाच का बोलवलं? कल्याण और डोंबिवली में 25 लाख की आबादी है, मेरे को क्यों बुलाया? आप बोलिए. माइंडसेट पर मलास का माइंडसेट से भी खूब लोग होते ना, किसको भी बोलते तो आ जाते. मेरे से भी अच्छे अच्छे वक्ता लोग थे. हाँ एग्जाम्पल मोड़ू. दूसरा नियम क्या सांगतो है? दूसरा नियम सांगतो है रेनबो झेब्रा. आता झेब्रा किती कलर चा असतो? दोन कलर चा. स्किल वरती बोलू काय, कौशल्यावरती बोलू काय, सर्वात महत्वाचा पॉइंट आहे सेकंड नंबर. कुठल्याही माणसाला आपण कसं जज करतो, समजा त्या माणसाला मला जज करायचं तर के नावाचं कोण आहे इथे? कल ए ए ए हा आजो ना केतन. आजो केतन. खूप महत्वाचा महत्वाचा सिद्धांत. हा ए नाम का कोण आहे? अभी आजो ना, आप उसको उठा के आप खुद ही चलो ऐसा हाथ पकड़ो, उठो हाथ पकड़ो. हाँ और एस नाम का आदमी कौन है? हाँ सुमित. हाँ एक आदमी को हम लोग ना इससे जानते हैं. एक आदमी को हम लोग कैसे जानते हैं मालूम है? उसके पास के है, उसके पास ए है और उसके पास एस है. के मंजे नॉलेज, के मंजे ज्ञान नॉलेज. उसके पास नॉलेज कितना है? उसके पास एबिलिटी कौन सी है? वो जंप कर सकता है क्या हेलीकॉप्टर से? वो फायरिंग कर सकता है क्या? वो आग के से खेल सकता है क्या? वो फायर ब्रिगेड का काम कर सकता है क्या? एबिलिटी बोलण्याची एबिलिटी है का? तो बोलू शकतो का? चालू शकतो का? धावू शकतो का? आणि शेवटी असतो ते आजचा जे विषय आपला कौशल्यावरती बोलू काय, ते आहे स्किल. प्रत्येक माणसाला आपण या तीन गोष्टीने ओळखतो. जेव्हा तुम्ही कंपनीमध्ये जाणार ना, कंपनी तुम्हाला हेच फक्त चेक करणार, हेच चेक करणार त्याचं नॉलेज किती आहे, त्याचा एबिलिटी किती आहे, त्याच्यामध्ये स्किल कुठला आहे. तो टर्नर आहे, फिटर आहे, मशिनिस्ट आहे, लिहू शकतो, बोलू शकतो, कम्प्युटर ऑपरेट करू शकतो, इंग्रजी बोलू शकतो, जे काय हे फॅन रिपेअर करू शकतो, रेफ्रिजरेटर रिपेअर करू शकतो, काय पण करू शकतो. थँक यू व्हेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. समज मे आ गया ना? तो ऐसा पूछ रहा था तो आपको समझ में आता रे. हाँ क्लियर झालं. रेनबो झेब्रा क्या होता है? रेनबो झेब्रा कन्सेप्ट आहे. मी असंच अभ्यास करत होतो आणि अभ्यास करता करता ते कन्सेप्ट निघाला. झेब्रा कितने रंग का होता है? कौन कौन सा कलर? ब्लैक एंड व्हाइट होता है. और कोई कलर देखा अपने लाइफ में? हमने नहीं देखा है कोई कलर, हमने नहीं देखा. हमने केवल दो ही रंग का देखा है, ब्लैक एंड व्हाइट. दुनिया में किधर भी जाइए, मैं तो खुद ही 15 देश घूम के आया हूं, तो मुझे मैंने तो कभी देखा नहीं. पर तुमचा समोर एक असा झेब्रा आला, वो 7 कलर का है, फिर क्या करेंगे आप? बेचैन हो जाएंगे. बेचैन है मेरी असं काहीतरी असेल. हा बोलिए. शॉक होणार, आपण सेल्फी काढणार, असं माणसाबरोबर आपण सेल्फी काढणार जो काहीतरी वेगळं केलं त्याने. जो माणूस काहीतरी वेगळं करतो त्यांच्याबरोबर लोक सेल्फी काढतात, त्यांच्याबरोबर लिहितात, त्यांच्यावरती लोक पिक्चर बनवतात, त्यांच्यावरती व्हिडिओ बनवतात, त्यांच्याबरोबर सेल्फी काढून लोकांना दाखवतात की बाबा आज मी या माणसाला भेटलो. दॅट इज कॉल्ड रेनबो झेब्रा. आज के बाद आप जो भी काम कर रहे हो सुमित, आज के बाद जो भी काम कर रहे हो, आज के बाद जो भी काम कर रहे हो उसमें रेनबो झेब्रा बनो. काहीतरी वेगळं पण घेऊन काहीतरी वेगळं काहीतरी वेगळं टीचर आहे ना, तो उसमें काहीतरी वेगळं करायचं. कोई बात नहीं, मैं सफाई वाला हूँ, मैं सफाई वाला हूँ, मैं ऐसा सफाई करूंगा ना एरोप्लेन यहां से जब जाएगा ना तो उसको लगना चाहिए इधर कोई सफाई वाला रहता है, इधर कोई सफाई वाला रहता है. बोर्ड वरती लिहिणार तर असं लिहिणार काहीतरी म्हणजे पूर्ण ओतून टाकून त्यामध्ये लिहायचं, कविता बनवायचं, लेक्चर लिहायचं, हे करायचं, ते करायचं, जे काय आपण काम करणार आहे आजपासून रेनबो झेब्रा वाला. अगर आप कहीं जाओगे, गाय है, बहुत सारा गाय है, कौन कौन से कलर का होता है गाय? ब्राउन. ब्राउन कलर का होता है? व्हाइट. व्हाइट कलर का होता है? काला. ब्लैक कलर का होता है? चितकबरा कलर का होता है, ठीक है, थोड़ा येलोइश कलर का होता है, थोड़ा ब्राउन, म्हणजे वेगवेगळे कलर असतात. पण तुमच्या समोर एक गोल्डन कलर चा काऊ आला, गोल्डन कलर का, फिर आप क्या करोगे सुमित? आप क्या करोगे? आपके सामने बहुत सारा काऊ जा रहा है लेकिन उसमें से एक गोल्डन कलर का काऊ जा रहा है, आपका ध्यान पहले किस पे जाएगा? तर आयुष्य तेज बना ना. छोटा सा एक मशीन बनवलं आहे, नंतर त्या विषयावरती बोलणार. तर दुसरा नियम क्या है?
आज के बाद रेमो देवरा बनने का एक एक्सरसाइज करेंगे, सब लोग एक्सरसाइज करेंगे, ऐसा करो, ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ अभी चेंज करो जल्दी से, हाँ अभी जल्दी से चेंज, जल्दी से चेंज, जल्दी से चेंज, जल्दी से चेंज, फटाफट फटाफट चेंज करते रहो, ये लड़का जल्दी से चेंज करते रहो, आज वन फाइव वन वन फाइव फाइव वन वन फाइव फाइव वन वन फाइव फाइव वन फाइव फाइव वन वन फाइव, वेरी गुड। थोड़ा अनईज हुआ स्टार्टिंग में, हाँ राठौड़ साहब स्टार्टिंग में थोड़ा सा तकलीफ हुआ होगा, लेकिन बाद में आदत लग गई। क्या आपकी जिंदगी का एक लक्ष्य होना चाहिए और ये पांचों उंगलियां पांचों इंद्रियां उसी पर अटैक कर देने का, बस एक लक्ष्य बनाइए साहब। ऐसे मीतर का है, मला का है, मराठी बोलता है इतने, कोई बात नहीं साहब, पूरा देशपांडे साहब को भी नहीं आता था, लेकिन उन्होंने सीखा, मैं देखा है ना, मला सा कॉमेडी करता ये इतना, कोई बात नहीं, शर्मा साहब को भी नहीं आता था, कपिल शर्मा साहब को भी नहीं आता था, टिका है ना, मतलब गाना गाता एक नहीं, मैं शायद नहीं, कोई बात नहीं, सीख सकते। आधा डेढ़ दिन स्कूल गई थी, भारत रत्न अभी पद्मश्री, भारत रत्न लता मंगेशकर, डेढ़ दिन स्कूल गई थी इंदौर में, डेढ़ दिन स्कूल गई थी, लेकिन उसको भारत रत्न मिल सकता है दसवीं, मैं फक्त का दहावी शिखर, भारत रत्न मिलना कहा नहीं मिलना, मिला है, फिर से मैं बता रहा हूँ, एजुकेशन से इम्पोर्टेंट है आपका स्किल, आपका स्किल अभी क्या है, आज आप क्या बन के चल रहे हो और क्या बन के मरने वाले हो आज डिसाइड करो, आज एनएसएस कैंप का आखिरी दिन है ना, आज डिसाइड करना कि अपने को मरने का तो ऐसा बन, ऐसा मरने का है कि चार आदमी जब आके बोलेंगे ना कि अरे हाँ माणसानी असं केलं होतं तसं केलं होतं, माझा प्रश्न तेच राहिला की गोपी सरांनी मला का बोलवलं, उत्तर मिळालं तुम्हाला, रेनबो 75 लोग भी मेरे साथ में टच में है, ऐसा नहीं है, वो लोग भी आ सकते थे, लेकिन वो आते तो बोलते मी पण तेच केलं, यांनी पण तेच केलं, मग काय फरक काय, काहीच नाही है, सब ब्लैक कलर का काऊ है, ब्राउन कलर का काऊ है, हरे रंग का काऊ है, सबको सेम कलर का है, इसमें नया क्या है, ज्यादा नया नवीन असत है वहां क्या करतो, ते पिक्चर बघायला जातो, नॉर्मल स्टोरी असेल, आपको क्या लगता है रामगढ़ के शोले, जो शोले पिक्चर बनी थी वो अकेले बनी है क्या, ऐसे 10-15 पिक्चर मार्केट में आई लेकिन सब फ्लॉप हो गई, क्योंकि राम जो शोले बनी थी जो ओरिजिनल वो ओरिजिनल थी, उसके बाद कॉपी बहुत सारी बनी, क्लियर झाला। तीसरा नियम जो है, तीसरा नियम से अगोदर एक अपन परत एक एक्सरसाइज करना है, असं डोळ डोक्यावरती मारायचं, असं ऐसा ऐसा करो, ऐसा करो, वाओ वेरी गुड वेरी गुड, आणि इथे असं गोल गोल फिरवायचं, झालं सर, पहिले ऐसे करतो, ऐसे देखो, स्टॅम्प मारो, पहिले स्टॅम्प मारो, स्टॅम्प मारो, कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, जब आप मशीन चला सकते हैं, जब सब कुछ कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, जो पायलट है ना, जो एरोप्लेन चला था, वो भी तो कभी सीखने को गया होगा ना, वो भी तो कभी सीखने को गया होगा, हम लोग जब आईटीआई में पढ़ते थे तो हमारे सर हमको बताते थे, बोलते एरोप्लेन चलाने खूब इजी है, डिफिकल्ट का है भाई देखा बुलडोजर चलाना, उसमें एक ही कंट्रोलर रहता है, उससे आपको वही सब एक्स वाई जेड डायरेक्शन में लेके जाना पड़ता है, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में एक ही बटन से करना पड़ता है, और एरोप्लेन के लिए क्या ऐसा कर दिया, वो डायरेक्ट ऊपर चला गया, ऐसा किया डायरेक्ट नीचे आ गया, खत्म, पर वो भी सीखते हैं, 1000 मील की यात्रा एक एक कदम से शुरुआत होती है, तो आज आपको मौका मिला है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा सीखते रहिए, हमेशा सीखते रहिए, आप जो भी काम कर रहे हैं ना, आता झाला आता टर्नर झाला सर्टिफिकेट मिला संपला आता नहीं साहब, मैंने आपको क्या बोला, 94 के बाद आज तक एक ऐसा दिन नहीं गया है, 94 के बाद आज तक एक ऐसा दिन नहीं गया है जिसे आपने किताब नहीं पढ़ा है, किताब पढ़ पढ़ के आंखों में चश्मा लग गया है, चश्मा तो टूट गया है, चश्मे के अंदर भी वो आंख के अंदर भी चश्मा लग गया है, ये दोनों आंख के अंदर सुमित कांच लगेला है, दोनों आंखों में कांच लगे, 10,500 किताब, एक रिकॉर्ड अपना वो भी बना है, किताब पढ़ने का, किताब जमा करने का, ज्या कंट्री मध्ये जायचो तिथून काहीतरी पुस्तक घेऊन यायचो। 2006 में जब मैं आ रहा था मलेशिया से, मॉरिशियस से, वो कैप्टन जो रहते ना कस्टम वाले रहते, बोले काय घेऊन आले सर्व एवढं पुस्तक, काय पुस्तक पुस्तक काय घेऊन आले, लोक इलेक्ट्रॉनिक आयटम घेऊन येतात, लोक पियानो घेऊन येतात, लोक VCR तेव्हा VCR चालायचं, VCR CD प्लेअर घेऊन येतात, तुम्ही काय पुस्तक घेऊन आले, 1.5 लाख रुपयाचं पुस्तक कोणी घेऊन येतो का,
लेकिन उसमें सीख क्या रहे, अपन शिकतो का, आपको डिग्री मिल जाएगा। वो छत्रपति शिवाजी महाराज बोले थे ना कि गढ़ आला पण सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, आईआईटी आईटीआई आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, पण त्यानंतर काय, त्यानंतर करायचं काय, आपण जायचं कुठे, करायचं काय, वो इम्पॉर्टेंट है। रोज कुछ ना कुछ सीखते रहिए, रोज कुछ ना कुछ स्किल सीखते रहिए। आप लोग एप्स बना सकते हैं क्या, एप्स बना सकते हैं? हाँ, कोई भी एप बना सकते हैं। कोडिंग वो हमने पहले बना दिया ना, हे लगता है, हे लगता नहीं साहब, कुछ नहीं लगता है। आप बस आप उसके लिए क्या लगता है, पहला नियम क्या था, माइंडसेट लगता है, बस आप माइंडसेट कर लो ना साहब। मैं राजस्थान में हमारी कंपनी पहली कंपनी जी होती थी ट्रेनिंग मध्य होती, दूसरी कंपनी कुठल्या पब्लिशिंग मध्य होती, तीसरी कंपनी अपनी ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड है, तुम्ही याच्यामध्ये टाकणार गुगल वरती, देशाची चौथी सर्वात मोठी कंपनी ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड। मी एकाला रिकॉर्ड द्यायला गेलो होतो राजस्थान मध्ये, आठवी मधला विद्यार्थी, आप कितना पढ़े, 12 पास हो गए, देखिए आठवीं में पढ़ने वाला लड़के ने 25 एप्स बनाया। देसले गुरु जी का नाम सुना, देसले गुरु जी का सर ने नाम सुना, आप लोग नहीं सुना, इतना बड़ा 7 करोड़ रुपया मिला भाई उनको, प्राइमरी टीचर, कोई टेक्निकल नहीं, कुछ नॉलेज नहीं, टेक्निकल नॉलेज भी नहीं था। देसले गुरु जी अभी अमेरिका में ही है, ऐकला है ना कोणी तरी, उनके पास क्या नॉलेज था, कुछ नहीं था, पण रोज काहीतरी शिकायचं, रोज काहीतरी करायचं, नॉट मी बट यू, काय करू शकतो यू साठी, मी काय करू शकतो, काय करू शकतो। इतना गर्मी हो रहा है, इतना ये हो रहा है, हम लोग कुछ कूलर नहीं बना सकते, हम लोग ऐसा फैन नहीं बना सकते, मैं चलता रहूंगा फैन मेरे को फॉलो करेगा, मी इथे जाणार फैन इथे येणार, मी इथे जाणार फैन इथे येणार, ऐसा नहीं बना सकते, बना सकते, पण काय आहे ना, हम लोग उलझे हुए, हम लोग वो मार्क ज़ुकरबर्ग ने वो क्या बनाया है, हम लोग उलझे हुए, क्या बनाया मार्क ज़ुकरबर्ग ने, फेसबुक बना दिया, उसमें हम उलझ गए। सिर्फ उसकी माँ मुझे लगता है दुनिया में सर मार्क ज़ुकरबर्ग की माँ बोलती होगी, अरे बाबा फेसबुक वरती लक्ष्य दे, बस ग्राहक कमी होते चल रहे, हमारी माँ बोलती है अरे फेसबुक नहीं देखने का, लेकिन उसकी माँ बोलती कि फेसबुक ध्यान दे, व्हाट्सअप देख, वो बोलती है इंस्टाग्राम देख, यूट्यूब देख, सब देख, उसकी माँ बोलती है, लेकिन हमारी माँ नहीं बोलती है, क्योंकि हम लोग उलझे हुए, हम उलझ जाते हैं ना उसमें, अपने को उलझने का नहीं है। तीसरा नेमी कातरी शिकत रहा, एक ऐप बनाइए साहब, एक ऐप बनाइए, बना सकते ना हम लोग, नहीं सर मी तर 10वी शिकलोय, काय हरकत नाही, नाही मी तर मला काय इंग्रजीचा 36 काय हरकत नाही, मराठी मध्ये बनवायचं ना आपण, खूप खूप मराठी मध्ये आता खूप आपल्याकडे ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत, नाही सर मी तर टेक्निकल आहे ना, मी तर टर्नर आहे, कोई बात नाही, नाही सर माझं टर्नर मध्ये बनव ना काहीतरी, आपण नाही बनवू शकतो का असं मोटर, इथे 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 मोबाईल वरून मी असं बटन दाबणार तर तिथे शेतीमध्ये माझं मोटर चालू झालं पाहिजे, नाही बना सकते, नाही सर ते तर इलेक्ट्रॉनिक वाल्याचं काम आहे, मी तर टर्नर आहे। हम आज से एक्सक्यूज देना बंद कीजिएगा और रोज कुछ ना कुछ सीखिए, का नाही होऊ शकत। अरुणाचलम मुर्गन नाव ऐकलंय, अक्षय कुमार का एक फिल्म आई थी पैड मैन, नाम सुना है कि नहीं सुना है, नाम सुना है ना, वो फिल्म को बहुत ध्यान से देखना। करोड़ों का जो बिजनेस था उसने 3000 रुपए लाके छोड़ दिया, 3000 प्रत्यक्ष भेट लेंगे, एक जो आपने गेम खेला ना, पर एक ना करा, एक पांच पांच एक, एक पांच पांच एक, एक पांच पांच एक, पांच एक पांच एक, पांच एक पांच एक, पांच एक, हाँ पांच एक, आपकी जिंदगी का एक लक्ष्य और पांचों इंद्रिया उधर, एक लक्ष्य पांचों इंद्रिया उधर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक लक्ष्य, कभी देखा है उनका फोटो, देखा है सामने, एक लक्ष्य, हम लोग क्या है चार पांच ऐसा पांच छह लक्ष्य लेके चलते हैं साहब, एक लक्ष्य रखिए जिंदगी का, एक लक्ष्य, अरुणाचल मुर्गन ने एक लक्ष्य रखा, नॉट मी बट यू, मला लोकांसाठी मी काय करू शकतो, सचिन टेके नाम सुना है, सचिन टेके, सचिन टेके, सचिन टेके, हाँ काय सचिन टेके, एम इंडिकेटर, एम इंडिकेटर मालूम है कि नहीं मालूम है, मालूम है ना एम इंडिकेटर किसने बनाया, सचिन टेके, सचिन टेके अभी बोल दिया, बराबर सही बोला,
दहिसर मध्ये झोपडपट्टी में रहने वाला लड़का नेहमी विचार करायचा मला काहीतरी करायचं, मी इंजिनिअरिंग शिकलोय, डिप्लोमा झालाय, पण करतो काय, मी काय करतो रोज. नोकिया मध्ये मी 2006 मध्ये जॉबला जायचा, तो एक दिवशी बघितलं त्यांनी, एक दिवशी बघितलं दादर ट्रेन दादर वरती ट्रेन निघून गेली. आता बोल यानंतर दुसरी गाडी कुठली आहे, इसके बाद कौन सी गाडी आहे भाई, की सबको पूछ रहा है काका माहिती आहे का नाही माहिती, याला माहित आहे त्याला माहिती, फिर कोई तो भी आदमी असं पाकिट निकालता है उसमें से चेक करता है, अरे हाँ ये काय आता बदलापुर आता है यानंतर. तब उसके दिमाग में एक आइडिया है, क्या आइडिया था, उस समय भी एंड्रॉइड फोन नहीं था साहब, 2006 में था क्या, 2000 में एंड्रॉइड फोन नहीं था अपने पास, उस समय ऐसा पता ही नहीं था कि ऐसा कोई इंटरनेट सबके पास आएगा आम इंसान पर, उसने काम करना शुरुआत किया. आज आपके पास जो है, आज आपके पास जो है शुरुआत कर दो. मलाला यूसुफ दिया, नाम सुना, मलाला यूसुफ दिया, मलाला यूसुफ दिया नोबेल पुरस्कार लेने जा रही थी पाकिस्तानी, नोबेल पुरस्कार लेते समय उसने स्टेटमेंट दिया, अगर आपके पास एक पेन है, बताओ पेन किसके पास है, कोई बात नहीं बैग में होगा, एक डायरी है, एक पेन है, एक डायरी है, एक टीचर है टीचर आपके पास, देखो आगे भी है पीछे भी, सब टीचर ही टीचर है, इकड़े तिकड़े तो ही कड़े, आनंद ही आनंद कड़े, हर तरफ आपके पास टीचर है. आज आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, आईटीआई में पढ़ रहे हो, यहाँ पर भी टीचर है, वहां पर भी टीचर है, आपके पास पेन भी है. आज भी हमारे देश में 2 रुपए का पेन मिलता है सुदीप भाई, 2 रुपए का पेन आज भी मिलता है, डायरी 10 रुपए में मिलता है, पेन है, डायरी है, टीचर है, गुरु है यहाँ पर. आप अगर स्टूडेंट बनने को तैयार है ना, तो आप दुनिया को बदल सकते हैं. जय हो. मैं भी बोल रहा हूँ, नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार मलाला यूसुफ़ज़ई को दिया गया था, यहाँ पर उसको गोली मारा था तालिबान ने, इधर गोली मारा था, उस लड़की जिंदा हो गई, पता नहीं कैसे ईश्वर ने उसको बचा लिया. जब उसको नोबेल पुरस्कार मिल रहा था, छोटी सी बच्ची है, जब नोबेल पुरस्कार मिल रहा था तो उसने स्टेटमेंट दिया था, इफ यू हैव पेन बुक टीचर एंड यू आर रेडी टू बिकम अ टीच स्टूडेंट यू कैन चेंज द वर्ल्ड, आप दुनिया को बदल सकते हैं, बदल सकते हैं. हमारे भी लाइफ में बहुत सारे टीचर आए, हमारे लाइफ में भी आए, और उन्होंने हमारे लाइफ को चेंज कर दिया, क्योंकि हम स्टूडेंट बनने को तैयार थे, हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे. उन्होंने बोला श्रमदान कराया है, चला श्रमदान करा, हमने नहीं सोचा, उन्होंने बोला जाओ उधर जाके वो साफ करके आओ, हम साफ करके आए, बाथरूम का दरवाजा टूटा है जाओ खुला मार के आओ, मार के आए, क्योंकि हमें पता था जिराफ जब बच्चा पैदा करती है, जिराफ जब बच्चा पैदा करती है तो पहले क्या करती है, लात से बहुत मारती है. तो बोलता बाप रे बगा, मोपी सराना बगा, किती हमारा ये करता ये सानप सराना बगा, कसा है सिटी बिटी मारता. जब जिराफ बच्चा पैदा करती है राठौड़ साहब, तो लात से बहुत मारती है. तो बोलता कितनी निर्दयी माँ है, कितनी निर्दयी माँ है. लेकिन जिराफ को पता है अगर मेरे मेरा बच्चा अगर अपने पैर पे खड़ा नहीं होगा तो वहां पे शेर खड़ा, वहां पे शेर खड़ा है, और वो शेर क्या करने वाला है, मेरे बच्चे को खा जाएगा. इसलिए जिराफ अपने बच्चे को मारती है, लेकिन वो निर्दयी होके नहीं मारती, वो उसकी ममता है, वो उसकी माइंड सेट है, और वो अच्छे के लिए मारती है. अगर आपको आईटीआई में या आप जो काम कर रहे हैं वहां पे अगर आपको डांट रहे हैं कोई, उसको ये मत निगेटिव मत लेना ना, मैं भुगता पड़ू नहीं साहब, कोई भुगता भुगता तो कोई लेना देना नहीं, शिक्षक के लिए तो सेम होते सब, उनको तो पता ही नहीं, सब ब्लू कलर में बैठे हैं यहाँ पर, उनके लिए क्या गुप्ता और क्या शर्मा और क्या पाटिल और क्या पटेल, कोई लेना देना नहीं होता है. तो आज के बाद रोज कुछ ना कुछ सीखते रहिए, रोज. आज क्या सीखा आपने, आज क्या सीखा, आज चाय बनाने को सीख लेगा, झाड़ लगाने को सीख लेगा, ये सब काम आपको अफ्रीका में काम में आएगा. हमने जो भी किया, क्योंकि मैं ऐसे कंट्री में जाता था वहां पे मुझे सब नया सीख सीखने को मिला, पूरा माहौल कभी ओरिंग नहीं रहता था साहब, तो हम लोग को जो बाल में का जो रहता ना वो रबर वो लगा के हम लोग ओरिंग बनाते थे. बहुत बार ऐसा हुआ है, अमेरिका से सब सामान आता था, तो मशीन तो चलाना जरूरी है, आता मैं स्वतः सा मशीन बनत है, आम्ही स्वतः मशीन बनवतो, आम्ही स्वतः प्रोडक्ट बनवतो, आम्ही स्वतः सा नवीन प्रोडक्ट, 8वीं कंपनी जी माझी आलेली आहे. रोज कुछ ना कुछ सीखते रहने का. कोरोना में बहुत से लोग टूट गए साहब, और बहुत से लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, बहुत से लोग टूट गए और बहुत से लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया. हमने नया ऑरेंज का जूस बना दिया, हमने जूस बना दिया, क्योंकि रोज लाइफ आपको नींबू और गन्ना देने वाले हैं. बहुत से लोगों को गन्ना है, क्या है आयुषा देश मिला, ये नींबू मिला, खट्टा नींबू मिला, और ये गन्ना ऐसा मिला इतना लंबा, लेकिन बहुत से लोग उसको पीस के उसका जूस बना देते हैं. लाइफ में रोज आपके साथ होने वाला है, रोज कुछ ना कुछ होगा. कोरोना मध्ये खूप लोक तुटून गेले आणि खूप लोकांनी रिकॉर्ड तोडला. आपने क्या किया वो देखो, आपने क्या किया,
कोरोना में क्या किया, सानप सर का नाम सुना आपने, सानप सर, उन्होंने कोरोना में क्या किया, मानो गांव में चले गए थे छुट्टी लेके, या उनको शायद मिल गया था, ऑनलाइन था ना सब, तो उन्होंने सर उन्होंने वो गोभी का जो फूल होता है ना, गोभी का इतना बड़ा, मैं तो कभी लाइफ में सर मैंने कभी देखा नहीं है, वो इतना बड़ा, इतना बड़ा होता है क्या सर ऐसा, इतना बड़ा काहीतरी सरांनी काहीतरी टाकला असेल त्यामध्ये, सेंद्रिय शेती म्हणतात त्याला। मैं फिर से बताता हूँ, कोरोना में बहुत से लोग टूट गए, लेकिन जिनका माइंडसेट स्ट्रांग था, जो लोग रोज कुछ ना कुछ सीख रहे थे, रोज काय ना काय करत होते, उनका लाइफ उन्होंने चेंज कर दिया। इस कोरोना के अंदर हमने ये प्रोडक्ट बना दिया, मेरी 8वीं कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, मेरा एक ही सपना था, अभी न्यूज़पेपर में भी रोज आ रहा है, मेरे को ये मेक इन इंडिया चाहिए था। पिताजी बोलते थे एक प्रोडक्ट बनाने का, खुद का प्रोडक्ट बनाने का। सर 96 में मैंने स्टैपर पिन का प्रोजेक्ट बनाया था, वो कुछ कारण से मैंने रोक दिया था, लेकिन इस बार हमने मशीन खुद बनाया, खुद मशीन बनाया, खुद इसका एक्सपेरिमेंट किया। पहली बार हमने जब बनाया ना तो बहुत ढेकर आ रहा था, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा हो गया था, नींबू का फूल बोलते हैं उसको, बहुत ज्यादा मैं और मिसेस को इतना ढेकर आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था जब हम पहली बार बनाए जनवरी में। फिर समझ में आया कि अरे ये गलती हो गया, हम सीखते रहे साहब, अभी भी पूरा नहीं हुआ, इसके बाद हम लोग टीन में लेके आ रहे, टीन होता ना वो एल्यूमिनियम का, उसमें लेके आ रहे, शायद हमारी पहली कंपनी रहेगी जो कोकम शरबत को टीन में लेकर आएगी। ऐसा सात फ्लेवर हमने बना दिया। हम मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आपको लगेगा मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आते आते सर मार्केटिंग करके आ गया, मैंने 25 बॉक्स बेच दिया आते आते, अभी क्या करेगा अभी तो उतना पेट्रोल लगने ही वाला है। देखो आपके सामने जब लक्ष्य पूरा होता है ना, आपको ऐसा लगता है कि ये अरे एक मिनट भी, मैं क्या बताया आपको, एक मिनट भी आपका वेस्टेज नहीं। मैं शादी में भी जाता तो किताब लेकर जाता हूँ, शायद वहां पे कुछ ज्ञान मिल जाए, कुछ पढ़ने को मिल जाए। तो ये चीज आपको करना है, रोज कुछ ना कुछ सीखना है। तो पहला नियम क्या था, दूसरा नियम, तीसरा नियम हमेशा सीखते रहो, और चौथा आखिरी का सिद्धांत एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, हमेशा धन्यवाद देते रहो साहब। नहीं मी या गरीब भारत का जन्मा लो, अमिताभ बच्चन का कान है, अच्छा है ना साहब, अमिताभ बच्चन की तरह था तो अभिषेक बच्चन बन के खत्म हो जाते, यहाँ पर बना है, यानी यहाँ पर अगर सुमित बना हूं तो सुमित बन के मैं पैदा हुआ हूं और सुमित बन के मरूंगा, लेकिन सुमित के नाम के आगे, सुमित के नाम के आगे कुछ तो भी करके जाना है, सुमित नहीं मरना है, प्लेन सुमित नहीं मरेगा, प्लेन सुमित नहीं मरने का, अपने को काय तरी करूं जाए, जो बोल रहा है बोलने दो। मेरे गुरुजी एक बात बोलते हैं, व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू, व्हाट पीपल टेल अबाउट यू, दैट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट इज व्हाट यू थिंक एंड स्पीक अबाउट अदर स्पीक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मैं उनके बोलने पर मेरा रिएक्शन क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुनील शेट्टी को शिल्पा शेट्टी ने ना बोल दिया, कौन से तो भी पिक्चर में, फिर वो जाके अक्षय कुमार से, वो धड़कन अक्षय कुमार से शादी करती है, लेकिन उसने ना सुनील शेट्टी का लाइफ चेंज कर दिया। पहले वो सुनील शेट्टी ना टीचर रहता है, लेकिन उसके बाद वो क्या बन जाता है, करोड़पति बन जाता है। वो गाना होता ना, लाइफ में ऐसी होता है साहब, आप जो है ना वो बन के मरना, आप जो है ना वो बन के मरना, किसी को कॉपी मत करना। उस समय जब पता नहीं क्या है, हो सकता है जाते जाते कुछ हो जाएगा, तो कुछ बोल नहीं सकता है, लेकिन आपको सोचना है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो मिला उसके लिए धन्यवाद। हमको आईटीआई मिला है, अंबरनाथ आईटीआई मिला है, कोई बात नहीं साहब, ये ट्रेड मिला है कोई बात नहीं, टेलरिंग का मिला है कोई बात नहीं, ये मिला है कोई बात नहीं, ये बैच मिला है कोई बात नहीं, वो बैच मिला कोई बात नहीं, ये सर मिले कोई बात नहीं, वो चाय मिला कोई बात नहीं, सबके लिए धन्यवाद निकलना चाहिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, हमेशा धन्यवाद निकले बस। नहीं सर, माझा वडिलांचा नाव ना गंगाराम है, अरे कोई बात नहीं साहब, कोई बात नहीं, गंगाराम है तो क्या हो गया, वो गंगाराम आपको फेंक सकता था, लेकिन उसने आपको जिंदा रखा, कोरोना में आप भी टपक सकते थे ना, कितने लोग गए, वो सर कौन से, वो थाना के बहुत बड़े उद्योगपति थे, वो उधर हॉस्पिटल से ही गुजर गए, हॉस्पिटल में गए, उसके बाद से उनको लेके चले गए, उनको कितना सारा संपत्ति था, आप लोग को जिंदा रखा है, आप सबको जिंदा रखा है, मुझे काय तरी असेल ना, म्हणून नाहीतर आपला पण होताच, म्हणजे तिकीट तर निघालाच होता आपला पण, कोरोना तो हो ही गया था आपले को भी, लेकिन उसमें से हम बच गए, और बच गए इसका मतलब, मुझे किसी ने सवाल पूछा था, सर मेरा मिशन पूरा हो गया कैसे मालूम पड़ेगा, मैं बोला तुम्हारा सांस चल रहा है क्या, बोले हाँ, इसका मतलब अभी भी कुछ बाकी है, शेवटचा सिद्धांत, आज पासून जो भी अपने को मिला है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, क्योंकि दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं, दूध फटने पर सुमित भाई, दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं, दूध नासल्यावरती ते लोग रडतात जिनको पनीर बनाना नहीं आता है। और एनएसएस कैंप में
कल पूछेंगे घर पे जाके, कल 1 बजे के बाद जब घर पे जाएंगे लोग पूछेंगे, मम्मी पूछेगी, पिताजी पूछेंगे, और आपके फ्रेंड लोग पूछेंगे, वाइफ पूछेगी, अरे हाँ वाइफ कभी है तो सब लोग पूछेंगे, अरे बाबा काय शिकला तिथे, बाबा काय शिकला तिथे, गड़िया काय शिकला तिथे। दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर नहीं बना। और याद रखिए पनीर वही बनाते हैं जो ये चार चीज को जानते हैं। लाइफ में रोज आपके साथ कुछ ना कुछ होगा साहब, अभी यहाँ से निकलेंगे कुछ होगा, यहाँ पे लाइट आएगा लाइट जाएगा, माइक चलेगा माइक नहीं चलेगा, कुछ भी होगा, टायर पंचर होगा, ये कोई उठा कुछ बोल देगा, कोई भी बोलेगा ए डेढ़ छाने, कुछ भी लोग बोल देंगे, कुछ भी बोलेंगे साहब, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आपका माइंडसेट सेट होना चाहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है साहब, कोरोना में मरते मरते जिंदा रह गया, अब ये लोग से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कि तू खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल भवेश, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। कोई बात नहीं साहब, मैं आईटीआई कर रहा हूँ, लेकिन आईटीआई के लोग भी आगे जा सकते हैं साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं मतलब तो चांस नहीं मिला, एक बलून होता है ना, बलून कलर की वजह से ऊपर नहीं जाता है कि वो नीला कलर का है, वो पीला कलर का है, हिरवा कलर का है, ऑरेंज कलर का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब। एक बलून जो है आसमान में जाता है, आसमान में जाता है, फुगा आसमान में कहा जातो वरती, फुगा कहा वरती जातो बेटा, फुगा आसमान में कहा क्यों जाता है, एक बलून वरती का जातो, फुगा वरती का जातो, क्यों जाता है बलून, गैस की वजह से। लेकिन हम लोग बोलते नहीं वो भुगता है ना, भुगता लोग बहुत आगे जाते हैं, नहीं साहब नहीं वो मोदी है, अरे नहीं साहब वो ये है, अरे साहब वो पटेल है, अरे वो पाटिल है, वो मोरे है, कुछ लेना देना नहीं है साहब, आपके दो कान के बीच में आप क्या लेके घूम रहे हैं, वही आपको ऊपर लेकर जाएगा, वही आपको ऊपर लेकर जाने वाला है। कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए कुछ कर जाए, सूरज सा तेज नहीं फिर भी दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आपको रोकने वाला कौन है मालूम है, आपको रोकने वाला कौन है, आईटीआई पे वो जो सर बैठे वो नहीं रोक रहे हैं, उस वहां पे जो ड्राइवर है वो नहीं रोक रहे हैं, वो रेलवे मैन आपको नहीं रोक रहा है, टीसी आपको नहीं रोक रहा है, माँ बाप आपको नहीं रोक रहे हैं, आपको रोकने वाला अंदर बैठा है। अरे लोग क्या मानना है, ऐसा क्या हो तो क्या सर, असं काय ज्यूस बीस ऑलरेडी 100 कंपनी है, तू काय करणार, तू काय नवीन करणार, चल अंदर से आवाज आएगा साहब, आपको रोकने वाला अंदर ही बैठा है, पाकिस्तान आपको नहीं रोकेगा, उस बेचारे को पता भी नहीं है वो सुमित कौन है, आकाश कौन है, भावेश कौन है, उसको पता ही नहीं है, आपको रोकने वाला आपके अंदर ही बैठा है। वो बैट्समैन को आउट करने वाला कौन होता है पहले, कौन रहता है पीछे, उसको बाकी वो सिक्स पे कौन है, उनको कोई लेना देना नहीं है, वो उधर है सिद्धू, उधर है वो, उधर है कपिल, उधर है, कोई लेना देना नहीं है, उसके पीछे ही खड़ा है, आपके भी अंदर बैठा है साहब, उसको आज खत्म कर, उसको इधर ही छोड़कर जाना, नहीं क्या साहब, इधर ही छोड़कर जाना उसको, और एक सरल मन को लेकर जाना जो आपको हमेशा आगे रखेगा। क्योंकि ये जो आज आपको जो मौका मिला है ना, पिताजी मजे वडिल ने भी सांगे सर, जितना पढ़ना है पढ़ ले, बाद में पैसा बहुत आएगा, लेकिन टाइम नहीं रहेगा पढ़ने के लिए। और आज तक एक दिन ऐसा नहीं गया है, एक दिन नहीं ऐसा गया जिस दिन दिनेश गुप्ता ने किताब नहीं पढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, खराब हो गया, यह आंख में वो ऑपरेशन हो गया था, ऐसे पढ़ रहा था, कोरोना हो गया था, कोरोना में पढ़ रहा था, हॉस्पिटल में एडमिट था, कुछ नक का ऑपरेशन हो गया था, और ऑपरेशन में मैं किताब पढ़ रहा था, बोला नहीं साहब यही मेरे को जिंदा रखता है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है 10 रुपया मिलेगा तो 2 रुपए का रोटी खाना और 8 रुपए का किताब पढ़ना। जिसको नदियों ने सींचा है, मैं वो बहुत बड़े घर में अंबानी टाटा बिरला के घर में पैदा नहीं हुआ, अच्छा हो गया, क्यों अच्छा हो गया, क्यों अच्छा हो गया सर, क्यों अच्छा हो गया, हाँ अपने आप को हम बना सके, अपने आप को बना सके सर, और मौका आपको भी मिला, कोई बात नहीं साहब, हम स्कूल लेके पैदा नहीं होते, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि में तपकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, अपने आप को जवाब दो साहब, अपने आप को जवाब दो, आपको रोकने वाला कोई बाहर नहीं है, बस उसको आज यहीं पे छोड़कर जाना। एनएसएस कम उस दिन सार्थक होगा जिस दिन नॉट मी बट यू, जब यू को आप लेके जाएंगे और अपने आप को यहाँ पर छोड़कर जाएंगे। सबसे बेस्ट सेवा कौन सी होती है, महात्मा गांधी ने कहा जहां पे सेवा दिखे
जहां पर सेवा दिखे, लेकिन सेवक नहीं दिखना चाहिए, वो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। जाते जाते एक कहानी सुनाऊंगा, यह आखिरी की कहानी, यह आखिरी की कहानी, इसके बाद माइक बंद हो जाएगा। कुछ सवाल पूछना है तो आप बाद में पूछ सकते हैं, कुछ फीडबैक देना है, लेकिन लाइफ रोज आपको मौका देती। मुझे पता है यू आर नॉट 100% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, आप लोग 100% नहीं है साहब, बट यू आर 100% फ्यूचर ऑफ इंडिया, यू आर 100% फ्यूचर ऑफ इंडिया। और जाते जाते कहानी यहां से लेकर जाना, एक लड़का था, वो अपने गुरु से ज्ञान लेता है, गोपी सर जैसे गुरु थे, सानव सर जैसे गुरु थे, पूरे जो पीछे पूरा स्टाफ बैठा है ऐसे गुरु थे, उनसे ज्ञान लेता है और बोलते हैं गुरु जी आम्हाला तुम्हाला काहीतरी दक्षिणा द्यायचं आहे, आता आम्हाला जायचंय, संपलं ना दक्षिण पूर्ण झालं, आता शिक्षण पूर्ण झालं भावेश, आता आम्हाला जायचंय, पण सांगा काय द्यायचं सांगा सर। बोलते तुम्ही ज्ञान लिया ना, बोले हा, बस जाऊ ना अभी, हो गया ना बस, अभी खत्म, अभी नई नई बैच को आने दो, अभी एनएसएस कॅम्प चला गया, 20 तारीख खत्म हो गया, अब नई बैच को आने दो। बोले नाही सर आम्हाला काहीतरी द्यायचंय, तुम्हाला काहीतरी देऊन जायचंय मला। बोले यार अभी इतना देर सुना मुझे, 4 बजे से सेशन चालू हुआ, 5 बजे सेशन खत्म हो गया, बस अभी जाओ ना अपना, हो गया निकल जाओ। वो तो काहीतरी द्यायचंय मला, वो पीछे पड़ जाता है, वो जो शिष्य था ना गोपी सर, वो पीछे पड़ जाता है। और उस समय शिक्षक कहते हैं ठीक है तुमको कुछ देने का है ना, तो आज के बाद जिंदगी ऐसे जीना, आज के बाद जिंदगी ऐसे जीना, लोग बोलना चाहिए तुम्हारा गुरु कौन था। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया, पता नहीं मैं मराठी हिंदी इंग्रजी काय काय फरक नाही पडतो सर, धन्यवाद मनापासून। आणि शुभेच्छा तुम्हाला, माइंडसेट माइंडसेट रेनबो झेब्रा, हाँ माइंडसेट रेनबो झेब्रा, हमेशा सीखते रहिए और लास्ट में हमेशा धन्यवाद देते रहिए, जो मिला उसके लिए धन्यवाद, ताली दिया तो भी धन्यवाद, ताली मिला तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर।